एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल कुकिंग। आज हम बनाएंगे उत्पम। ये साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डिश है। देखिए ये बहुत ही कम तेल में बनने वाला बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं उत्पम बनाना। उत्पम बनाने के लिए हमें चाहिए 3 कप चावल, या आप कोई कटोरी सेट कर ले उससे आप 3 कप चावल ले लें और 1 कप उड़द दाल ले लें। इसको हम पहले धो लेंगे। हम अपने चावल को ले लेंगे, दूसरे बर्तन में हम लेंगे उड़द दाल। अब हम इस दाल और चावल को अलग अलग धोकर भिगोएंगे। हम 3 से 4 बार अच्छी तरह से अपने चावल और दाल दोनों को धो लेंगे। अच्छी तरह से हम इसको धो लेंगे, अच्छी तरह एकदम फ्रेश धोकर हम कर लेंगे। चावल हमने धो लिया है और हम इसमें पानी डाल देंगे इतना, और इसको हम चावल दाल दोनों को अलग अलग भिगो लेंगे 5 से 6 घंटे के लिए। हमारे दाल और चावल दोनों फूल चुके हैं, अब हम इनको पीस लेंगे। ये हमारा चावल का बैटर है जिसको हमने इतना स्मूथ पीसा है, और ये हमारा उड़द दाल का बैटर है जिसको हमने स्मूथली पीस लिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे 10 से 12 घंटे के लिए ताकि ये फर्मेंट हो जाए। लेकिन अगर आपको तुरंत बनाना है तो आप इसमें डालें इनू फूड शॉर्ट और तुरंत इसको आप बना लें। हमारे 10 से 12 घंटे हो गए हैं, हमारा चावल एकदम फर्मेंट हो गया है और ये हमारा दाल भी एकदम फर्मेंट हो गया है। अब हम चावल के बैटर और दाल के बैटर दोनों को हम मिला लेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हमारा बैटर तैयार है उत्पम बनाने के लिए। हमने लिया है लोहा का तवा, आप चाहे तो नॉन स्टिक भी ले सकते हैं, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसको फैला लेंगे। बैटर में डालेंगे थोड़ा सा नमक और हम इसको भी अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अपने बैटर को और हम छोड़ देंगे, फैलाएंगे नहीं, इसको हम छुएंगे नहीं। ये अपने आप ही देखिएगा, ये जितना फैलना होगा उतना फैल जाएगा। हमने आंच को बहुत ही धीमा रखा है और देखिए ये हमारा बैटर धीरे धीरे पक रहा है। इसको हम ऐसे ही पकने देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब हम डालेंगे इसके ऊपर बारीक कटा हुआ, बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज है, इसको हम इसके ऊपर से डाल देंगे। और डालेंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च और डालेंगे कटा हुआ टमाटर। ये कम तेल में बनने वाला झटपट बनने वाला नाश्ता है और बहुत हेल्दी होता है। क्योंकि ये साउथ इंडियन डिश है तो इसमें जाएगा करी लीव्स। हमारा बैटर एक ओर से पक चुका है, अब हम इसको पलट देंगे, दोनों ओर से सेक लेंगे। देखिए कितना सुंदर पका है, बिल्कुल जालीदार जालीदार बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना है। हमने दोनों ओर से पलट कर सेक लिया है, अब हमारा तैयार है उत्पम, तो इसको हम निकाल लेंगे, करेंगे इसकी प्लेटिंग। हमारा उत्पम बनके तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।